सब्सक्राइब कीजिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप पा सकें सभी गवर्नमेंट जॉब और एडमिट कार्ड की अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सरकारीएग्जाम.com सही साबित हुआ। जैसा कि हमने आपको अपडेट दी थी कि आरआरबी ग्रुप डी में 62,907 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है, तो दोस्तों आपने देखा, आप देख सकते हैं अभी भी कि आज 10 फरवरी हो गई और अभी नोटिफिकेशन आ चुका है आरआरबी की तरफ से कि ग्रुप डी में 62,907 पदों की भर्तियां निकल गई हैं। तो दोस्तों ये सिलसिला आप तक अपडेट सबसे पहले पहुंचाने का सरकारीएग्जाम.com पे जारी रहेगा। दोस्तों अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो नमस्कार, मेरा नाम है रचित और आप देख रहे हैं सरकारीएग्जाम.com यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अब मुद्दा ये होता है कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी तो निकल चुकी है, तो अब इसके लिए स्टार्टिंग डेट, अप्लीकेशन फीस, आपको पूरी की पूरी अपडेट इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। और दोस्तों अभी जो सबसे बड़ा सवाल है इस समय कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। जिनके पास एक्ट अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करेंगे, या फिर ITI का सर्टिफिकेट है जिनके पास वो अप्लाई करेंगे, या फिर 10th वाले अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहता हूँ कि इस डिटेल को, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, ताकि आपको हर एक पॉइंट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि कौन से लोग किस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, किसके लिए ITI चाहिए, और या फिर 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब, विजिट कीजिए अभी सरकारीएग्जाम.com। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए और सभी तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पर सरकारीएग्जाम.com ओपन करना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको यहाँ न्यू अपडेट या टॉप ऑनलाइन सेक्शन में से ग्रुप रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म की एक लिंक मिलेगी। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। रेलवे ग्रुप डी की लिंक पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आप आ जाएंगे रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के पेज पे। और फ्रेंड्स, यहां से इस वीडियो को काफी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पे इस वीडियो में सारी की सारी कंफ्यूजन आपकी दूर करने के लिए हमने काफी प्रयास किए हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी आपकी यहां पे क्वेरी होगी, जितने भी आपके कंफ्यूजन होंगे, सब यहां पे दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां इंपॉर्टेंट डेट्स में पूरी यहां पे पूरी डिटेल दी गई है। एप्लीकेशन फीस यहां पे दिया गया है, एज लिमिट के लिए यहां पे पूरा दिया हुआ है। इसके बाद आप यहां से नंबर ऑफ पोस्ट चेक कर सकते हैं, यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर आप इसके नीचे भी आएंगे आगे, तो यहां से आप पोस्ट डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और यहां से पे स्किल, मतलब आप ग्रुप डी से रिलेटेड सारी जानकारी यहां से पा सकते हैं। तो दोस्तों अब मसला उठता है, अब सवाल उठता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहां पे आप देखेंगे, यहाँ पे पोस्ट वाइज पूरी डिटेल दी गई है। आप देख सकते हैं हेल्पर, ट्रैक मेंटेनर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, गेटमैन। और दोस्तों इसी के साथ ही अगर आपको यहाँ से भी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, थोड़ा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे चेक पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की एक लिंक मिलेगी। इस लिंक पे आप क्लिक करिए। चेक पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के लिंक पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने आपके विंडो स्क्रीन पे एक PDF ओपन हो जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, आप यहां से देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पे पूरी की पूरी डिटेल यहां पे दी गई है इस PDF में। आप यहां देख सकते हैं, यहां पे हेल्पर डेजिग्नेशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज यहां पे लिखा हुआ है। और दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो यहां पे सीधी सीधी दी गई है, 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाई NCVT और 10th पास प्लस ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT SCVT। इसका मतलब कि दोस्तों जिनके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है और वो 10th पास है, वो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जिनके पास 10th पास है और ITI का सर्टिफिकेट है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी यहीं तक नहीं रुकती, एजुकेशनल लिमिट आप यहां पे देख सकते हैं। यहां डिपार्टमेंट वाइज में जितने भी डिपार्टमेंट यहां तक दिए हुए हैं, ये सब टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं। और टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए यहां पे ये जो एलिजिबिलिटी लिखी है, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए लिखी है यहां की एलिजिबिलिटी। और उसके बाद जब आप और नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो आप यहां पे देखेंगे, यहां पे 24 to 28 पोस्ट पैरामीटर के 24 से 28 तक के सेक्शन में आप यहां देखेंगे, तो यहां पे मेडिकल, मेडिकल, ट्रैफिक, ट्रैफिक, ट्रैफिक।
दोस्तों यहाँ पे जो हेल्पर मेडिकल हॉस्पिटल अटेंडेंट असिस्टेंट पॉइंट्समैन गेटमैन पोर्टर हमल स्वीपर कम पोर्टर आप यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है साफ साफ 10th पास और आईटीआई फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीबीटी एससीबीटी और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीबीटी। इसका मतलब होता है दोस्तों पोस्ट पैरामीटर के सेक्शन नंबर 24 से लेकर सेक्शन नंबर 28 तक में यहाँ पे मेंशन है कि 10th पास, यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है 10th पास, मतलब 10वीं पास जो भी छात्र हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, वो यहाँ पे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे 24 से एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 24 से 28 सेक्शन में जो भी यहाँ पे पोस्ट दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज में ये टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे खाली 10th पास जो हमारे छात्र हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पे सवाल आता है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स हमने अपने पिछले वीडियो में आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के वीडियो में भी इस चीज को क्लियर किया था कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। और फ्रेंड्स आपको इसी तरह इस वीडियो में भी हम बता देते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे जो कोड लिखे हुए C1 B1 B1 B2 इसका क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड का ये कोड देखते हैं कि ये आखिर होता क्या है। मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब चेक करने के लिए दोस्तों, मतलब जानने के लिए, कोड जानने के लिए आपको सबसे पहले एक बार फिर से यहाँ पे सरकारीएग्जाम.com पे आना है और यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आपको एक लिंक दिख रही है, इस यहाँ पे इंग्लिश में आपको या हिंदी में जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए आपको उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे सबसे पहले तो क्लिक कर, और क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ ओपन होते ही फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 3 में आना है जहां पे लिखा है मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट। और फ्रेंड्स आप यहां से मेडिकल स्टैंडर्ड के कोड का मतलब काफी अच्छी तरीके से और बेहद ही आसान तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी एलिजिबिलिटी कंफ्यूजन के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पे सरकारीएग्जाम.com पे जब आप आएंगे और ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के पेज को ओपन करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई नाउ पे डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से अप्लाई नाउ के रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आ जाएंगे जहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की लिंक दी हुई है, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इस फॉर्म के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों आपको कुछ बातें और बताना जरूरी है जो कि यहाँ पे दी हुई हैं। और जैसे तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जो भी अप्लाई नहीं कर सकते या फिर जो एलिजिबल हैं उनसे रिगार्डिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इस पॉइंट्स को जरूर पढ़ लीजिए। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी फ्रेंड्स आपके लिए दिया हुआ है क्योंकि पीटी एग्जाम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए मस्ट है, आप यहां से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के फिजिकल स्टैंडर्ड्स को चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों अब यहां पे सवाल यहां क्वेश्चन आता है स्टेजेस ऑफ एग्जाम मोड ऑफ सिलेक्शन कि किस तरह से इसका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आरआरबी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इस ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो 3 बेसिस पे होगा। सबसे पहले तो इसका सीबीटी होगा, मतलब दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीटी, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फ्रेंड्स सबसे मेन पॉइंट इस सीबीटी एग्जाम के लिए कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग इन एग्जाम, 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब दोस्तों सीबीटी एग्जाम में आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है और 1/3 ऑफ द मार्क्स मतलब आपके क्वेश्चन का अगर आपने गलत किया तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, आपको एक प्री जानकारी मतलब फॉर्म भरने के पहले ही एक शॉर्ट जानकारी आपके लिए यहाँ पे दी गई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने पास पहले से रेडी रखना है इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसी के साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको सरकारीएग्जाम.com से यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस आपको क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं एग्जाम में और किस तरह के टॉपिक आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसका सिलेबस आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही फॉन्ट में मिल जाए, दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा, आप यहाँ पे एक क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर भी आप पा सकते हैं।
और दोस्तों आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज इसका नहीं लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपकी सारी कंफ्यूजन एलिजिबिलिटी से रिलेटेड अब तो खत्म ही हो गई होंगी। और इसी के साथ ही दोस्तों अब अन्य किसी भी तरह की RRB अपडेट के लिए जुड़े रहें सरकारीexam.com के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में RRB ग्रुप डी से रिलेटेड कई सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं भी हुए होंगे तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी इस जानकारी से रूबरू कराइए। और इसी के साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक एक डिटेल, हर एक एक अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।